हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर नुपुर सद्दा। इस वीडियो में हम देखेंगे इन डिटेल अबाउट द सेल वॉल। नाउ व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल जो है कुछ सेल्स के अंदर पाई जाती है आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन। अब ये बेसिकली है क्या? इट इज़ अ नॉन लिविंग एंड अ रिजिड स्ट्रक्चर जो सेल को रिजिडिटी भी देती है और शेप भी प्रोवाइड करती है। सो लेट अस नोट डाउन द पॉइंट्स। सेल वॉल क्या है? इट इज़ non-living and rigid structure। अब एक्चुअली में जो रॉबर्ट हुक ने देखा था इन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप, वो क्या देखा था? एक्चुअली में वो था सेल वॉल विच इज डेड। और रॉबर्ट हुक को हम क्या कहते हैं? रिमेंबर, कैन यू रिकॉल, मैंने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है। He is also known as the father of cytology. So, you will write here, actually, what Robert Hooke observed under microscope was सेल वॉल इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। एंड वॉट इज सेल वॉल? इट इज डेड। अब नेक्स्ट जो अपन पॉइंट कंसिडरेशन में लेंगे वो ये है कि ये कहाँ पर पाई जाती है और कहाँ पर नहीं पाई जाती, कहाँ एबसेंट है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि कहाँ पर ये एबसेंट है। तो कहाँ पर ये नहीं मिलेगी? इट विल बी एब्सेंट इन द केस ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? PPLO भी कहते हैं, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। दूसरा कहाँ एब्सेंट होगी? इट इज़ ऑल्सो एब्सेंट इन द केस ऑफ एनिमल सेल एंड इट इज़ ऑल्सो एब्सेंट इन द गैमेट्स। दे डू नॉट हैव सेल वॉल। नेक्स्ट देखेंगे ये कहाँ पर प्रेजेंट है। प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकैन। कैन यू रिकॉल, लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया था पेप्टिडोग्लाइकॉन को और किस किस नाम से बुलाया जा सकता है? यस, म्यूरिन एंड म्यूकोपेप्टाइड। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट, दैट इज फंजाई। फंजाई के अंदर किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन जो है इट इज होमोपॉलीमर। किसका होमोपॉलीमर है? ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। यानी बहुत सारे यूनिट से मिलकर बनता है। किसके? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। इसको हम फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है एल्गे। एल्गे की जब हम बात करें तो इसके अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस गैलेक्टिन प्लस मैनन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि ये क्या है, एल्गे केस में कंसिडर करते हैं लोअर प्लांट्स में, तो लोअर प्लांट्स के अंदर प्लांट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सेलुलोज तो मौजूद होगा ही होगा, तो सेलुलोज मिलेगा। गैलेक्टिन क्या है? इट इज़ अ लीनियर पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज शुगर। मैनन लीनियर पॉलीमर ऑफ मैनो शुगर एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सो दिस वॉज अबाउट द सेल वॉल ऑफ द एल्गे। नेक्स्ट आते हैं अपन प्लांट्स पे। जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ सेल वॉल किसकी बनी होती है? इट इज मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, हेमी सेल्यूलोस, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। ओके, सो सेलुलोस मिलेगा, हेमी सेलुलोस मिलेगा, पेक्टिन मिलेगा और प्रोटीन्स मिलेगा। अब इसको अगर हम देखें तो
सेल्युलोज जो है बेसिकली इट इज़ अ होमोपॉलीमर, ये भी होमोपॉलीमर है। सिमिलर यूनिट्स बहुत सारे मिलेंगे, उनके जुड़ने से ये क्या बनाता है, सेल्युलोज। अब यहाँ पर किसका होमोपॉलीमर है, इट इज़ अ होमोपॉलीमर ऑफ बीटा 1,4 डेक्सट्रोज ग्लूकोज यूनिट्स, इसके जुड़ने से ये बनता है। सो दिस वॉज अबाउट द सेल्युलोज। नेक्स्ट जो आता है दैट इज हेमी सेल्युलोज। हेमी सेल्युलोज इज अ हीट्रोपॉलीमर, हीट्रोपॉलीमर है। डिफरेंट यूनिट्स बहुत सारे, जब डिफरेंट यूनिट्स मिल जाते हैं तो वो क्या बनाएंगे, हेमी सेल्युलोज। हेमी सेल्युलोज मिलकर बनेगा जैसे कि गैलेक्टोज से, रैबिनोज से, जाइलोज, अलग अलग शुगर्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, हेमी सेल्युलोज। देन आता है पेक्टिन। पेक्टिन इज ऑल्सो अ हीट्रोपॉलीमर फाउंड इन द केस ऑफ प्लांट्स। ये किससे मिलकर बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ गैलेक्टोरोनिक एसिड एंड ग्लूकोरोनिक एसिड। देन मौजूद क्या है इसमें, प्रोटीन्स हैं। अब अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें प्लांट सेल वॉल का, तो सपोज दिस इज द सेल वॉल, इसके अंदर फिलिंग मटेरियल मौजूद होता है। दिस फिलिंग मटेरियल इज नोन एज द मैट्रिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में क्या मौजूद होंगे, देयर विल बी प्रेजेंट द फाइब्रिल्स। ओके, तो ये फाइब्रिल्स किसके हैं, दीज फाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ सेल्युलोज, सेल्युलोसिक फाइब्रिल्स हैं ये। और इस मैट्रिक्स में क्या मौजूद होगा, इस मैट्रिक्स में मौजूद होता है हेमी सेल्युलोज प्लस पेक्टिन प्लस प्रोटीन प्लस लिपिड्स इफ प्रेजेंट फ्यू, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो लिपिड्स भी इधर ही मिलेंगे, कहाँ पर, मैट्रिक्स में। फाइब्रिल्स जो होती हैं जनरली सेल्युलोसिक होंगी, कुछ कुछ केस के अंदर जो है यहाँ पर डिपॉजिशंस भी मिलते हैं। ये डिपॉजिशंस कहाँ मिलेंगे, दे विल बी फाउंड इन द on the surface. So these are the depositions. ये depositions तीन तरीके के हो सकते हैं, एक तो होता है lignin का deposition, एक होता है suberin का deposition और एक होता है cutin का deposition. इसको अभी हम आगे देख लेते हैं detail में. So these are the basic things which you should remember about the cell wall. Next, आपको ये sequence ध्यान रखना है, जो fibrils हैं वो किससे मिलकर बनेंगी, cellulose. Cellulose के 100 units मिलकर बनाते हैं micelle. Micelle के 20 units मिलकर बनाएंगे microfibrils और microfibrils के 250 units मिलकर बनाएंगे fibrils. Next, we'll see the structure of the cell wall. जो सेल वॉल है बेसिकली उसके अंदर दो वॉल लेयर्स पाई जाती हैं, दैट इज अ प्राइमरी वॉल एंड द सेकेंडरी वॉल। ये जो अभी मैंने ब्लैक से ड्रॉ करा है, दिस इज द मिडिल लैमेला। देखिए जब सिंगल इंडिविजुअल प्लांट सेल की बात हो रही है तो वहां पर जो है मिडिल लैमेला है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं बहुत सारे सेल्स जो एक्चुअल में सिचुएशन है, तो वहाँ पर मिडिल लैमेला मिलेगा, क्योंकि मिडिल लैमेला एक्ट एज ए सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन द एडजेसेंट प्लांट सेल्स। सो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडिल लैमेला। ये डिफरेंट प्लांट सेल्स हैं, ठीक है, अलग अलग प्लांट सेल्स हैं, इनको कौन जोड़े हुए है, मिडिल लैमेला। अब इसके अंदर की तरफ जो हम ड्रॉ करेंगे दैट इज द प्राइमरी वॉल। तो ये जो मैं ब्लू से बना रही हूं, दिस इज द प्राइमरी वॉल। ये हर सेल के अंदर मिलेगी प्राइमरी वॉल लाइक दिस, प्राइमरी वॉल जो होती है थिन होती है, इलास्टिक होती है और सिंगल लेयर्ड होती है।
अब प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ क्या मिलती है, दैट इज द सेकेंडरी वॉल। इसके सीक्वेंसिंग पे क्वेश्चन आता है, कौन सी कहाँ पर पाई जाती है। सो दिस इज द सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल में भी तीन लेयर्स मिलेंगी, दैट इज S1, S2 एंड S3। ये जो मैंने ड्रॉ करी है दिस इज S1, इनर टू इट इज द S2, ये वाली जो आ गई है दिस इज द S2, दिस इज द S2 एंड इनर टू इट इज द S3। सो दिस इज द S3। ओके, हर सेल के अंदर मिलेगी, मैंने एक ही को डिटेल में बनाया है। और इसके अंदर जो लोकेटेड होगा दैट विल बी द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, जो इसके अंदर की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका मार्क करें तो दिस इज द मिडिल लैमेला, देन ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडिल लैमेला देयर इज प्रेजेंट द प्राइमरी वॉल, देन दिस इज S1, S2 एंड S3। दीज थ्री रिप्रेजेंट द सेकेंडरी वॉल, ये रिप्रेजेंट कर रही है सेकेंडरी वॉल को। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल प्लांट सेल की, तो इंडिविजुअल प्लांट सेल के अंदर तो हम क्या कंसिडर करेंगे, टू वॉल लेयर्स हैं, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। पहले जो बनती है वो प्राइमरी वॉल बनती है, उसके बाद सेकेंडरी वॉल बनेगी इनर टू द प्राइमरी वॉल। मिडल लैमेला एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग मटीरियल बिटवीन द टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। ओके, तो यहाँ पर अब हम डिटेल देख लेते हैं ऑफ द मिडल लैमेला। मिडल लैमेला की जब हम बात करेंगे इट एक्ट्स एज सीमेंटिंग मटीरियल बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट हमको ध्यान रखना है, मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। इसमें भी अगर पूछा जाए दोनों में से एक ही ऑप्शन में हो तो फिर आप मार्क करेंगे दैट इज द कैल्शियम पैक्टेट। ओके, नेक्स्ट आप लिखेंगे इट इज एब्सेंट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द सेल एंड एट प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इट इज एब्सेंट ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ द सेल एंड एट द प्लाज्मोडेस्माटा, यानी जहां पर सेल की जो फ्री सर्फेस है यानी कोई एडजेसेंट सेल नहीं मौजूद है वहां पर जो मिडिल लैमेला है वो एब्सेंट होगी, एंड ऑल्सो एट द प्लेस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, जहां प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद है वहां पर भी मिडिल लैमेला नहीं मिलती है। अब हम बात करें कि जो सेल वॉल है एक्चुअली वो दो लेयर्स की बनी होती है, एक जो है दैट इज द प्राइमरी वॉल और दूसरी होती है दैट इज द सेकेंडरी वॉल। इसको हम कंपैरेटिवली देख लेते हैं, प्राइमरी वॉल की जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज थिन इलास्टिक एंड सिंगल लेयर। ये जनरली कहां मिलेगी, यंग ग्रोइंग सेल्स यानी मेरिस्टमैटिक सेल्स जो हैं, जहां पर एक्टिव सेल डिवीजन मिलता है वहां पर ये पाई जाती है। सो इट इज फाउंड इन यंग ग्रोइंग सेल्स, डिमिनिशेस एज सेल मैच्योर्स। जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है तो
ये क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिमिनिश हो जाती है या वैनिश हो जाती है। इट इज केपेबल ऑफ ग्रोथ। इसके लिए इसमें पाया जाता है एक्सपेंसिन प्रोटीन। एक्सपेंसिन प्रोटीन क्या करता है, हेल्प इन द लूजनिंग ऑफ द सेल वॉल, उसको लूज करता है और सेल वॉल इसकी वजह से क्या होगी, एक्सपैंड होगी एंड एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल विल टेक प्लेस दैट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल। नाउ ये किसकी बनी होती है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ हेमी सेलुलोस, सेलुलोस एंड पेक्टिन। दे आर प्रेजेंट रफली इन इक्वल अमाउंट, roughly in equal amount। एक और चीज यहां पर याद रखनी है कि यहां जो लिपिड्स होंगे that will be 5-10%। इसके अंदर लिपिड्स मिलेंगे तभी तो ये इलास्टिक होती है, क्योंकि लिपिड्स प्रोवाइड करते हैं इलास्टिसिटी। अब हम देखते हैं सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल की हम बात करें तो इट इज रिजिड and it is composed of three layers, that is S1, S2 and S3। ये जो secondary wall है, lies inner to the primary wall। primary wall के अंदर की तरफ मिलेगी। next जो आपको ध्यान रखना है, that is it is found in mature cells and absent in meristematic cell। Absent in meristematic cells। Okay, जहां भी rigidity चाहिए, toughness चाहिए, वहां पर secondary wall मिलता है। Then, अगर composition की बात करते हैं तो ये बनी होती है hemicellulose, cellulose और pectin की। लेकिन यहां पर cellulose जो होगा उसका content ज्यादा होगा, इसलिए ये क्या है, मोर रिजिड। दूसरी बात, यहां पर लिपिड कंटेंट भी क्या होगा, एब्सेंट, लिपिड नहीं मिलता है यहां पर, इसीलिए इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फाइब्रिल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल एंड देन मिडल लैमेला, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वॉल। जस्ट नोट इट डाउन। नेक्स्ट हम देखेंगे डिपॉजिशंस। डिपॉजिशंस जो होंगे ये मेनली मिलते हैं सेकेंडरी वॉल में। सेकेंडरी वॉल में पाए जाते हैं और तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है लिग्निन का डिपॉजिशन, दूसरा होता है सुबेरिन का डिपॉजिशन और तीसरा जो होता है दैट इज द डिपोजिशन ऑफ द क्यूटिन। सभी सेल्स के अंदर ये नहीं मिलते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सेल्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लिग्निन, लिग्निन का डिपोजिशन कहलाता है लिग्निफिकेशन। लिग्निन क्या है, बेसिकली इट इज अ क्रॉस लिंक्ड फिनोलिक पॉलीमर और जहां भी लिग्निन मौजूद होता है ये सेल का जो वाटर कंटेंट है उसको कम करेगा और उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये जो मौजूद होगा, जाइलम के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे ट्रैकेट्स हैं, वेसल्स हैं, वहां पर लिग्निन मौजूद होता है। तो लिग्निफिकेशन एंड इट डिक्रीजेस द वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट को क्या करेगा, डिक्रीज्ड, प्रोवाइड्स रिजिडिटी, provides rigidity। Then suberin का deposition कहलाता है suberization, suberization। suberin basically क्या है, it is a fatty substance। इस पे question पूछा जाता है generally, ध्यान रखना है। इट इज अ फैटी सब्सटेंस और सुबरिन जो होता है इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। यहां पर हम देखेंगे इट इज इम्परमिएबल टू
water and it is found in सी स्क्वायर, याद रखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे कॉर्क, कॉर्क अपन जानते हैं, मैंने बताया था. एंड सेकेंड वन इज कैस्पेरियन बैंड्स. दीज कैस्पेरियन बैंड्स आर फाउंड इन द एंडोडर्मिस ऑफ द रूट, मोनोकॉट एंड डायकॉट. और ये कैस्पेरियन बैंड्स किसके डिपोजिशन से बनते हैं? सुबेरिन की. दिस इज बेसिकली इम्परमिएबल टू वाटर. नेक्स्ट जो आता है दैट इज द डिपोजिशन ऑफ क्यूटिन, दैट इज नोन एज क्यूटिनाइजेशन. क्यूटिन क्या है? बेसिकली इट इज अ वैक्सी कोटिंग. इट इज जनरली फाउंड ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लाइक स्टेम इज देयर, लीफ इज देयर. इट इज ऑल्सो इम्परमिएबल टू वाटर एंड प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर. सो इट इज अ वैक्सी कोटिंग विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर. ओके, तो दिस वॉज अबाउट द डिपॉजिशंस विच आर फाउंड ऑन द सेकेंडरी वॉल. दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, आइदर डिपॉजिशन ऑफ लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन. इसके अलावा और टाइप के डिपॉजिशंस भी मिलते हैं, जैसे टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, गम हो गया, सिलिका हो गया. सिलिका के डिपॉजिट्स का आप एग्जांपल देख सकते हैं ग्रासेस के अंदर. जैसे हम ग्रासेस की बात करें, ग्रास के लीफ प्लेट को जब आप टच करते हैं तो रफ सा सरफेस मिलता है, उसके अंदर खुरदरापन मिलता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द सिलिका डिपॉजिट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इसके अंदर अपन देखेंगे सब टॉपिक, वो आता है पिट्स. पिट्स क्या है पहले हम ये जान ले. इसको जानने के लिए आपके दिमाग में एक एग्जाम्पल आना चाहिए. जैसे हमने एक दीवार बनाई, वो दीवार हमने बनाई किसकी? वो दीवार हमने बनाई ब्रिक की, ईंट की दीवार बनाई. तो वो दीवार क्या हो गई? मिडिल लैमेला. उस पर मैंने लगाया सीमेंट, तो वो सीमेंट क्या हो गया? प्राइमरी वॉल. उस पर करा प्लास्टर, वो हो गया सेकेंडरी वॉल. अब कभी कभी क्या होता है, प्लास्टर टूट जाता है तो वहाँ क्या बन जाएगा? एक खड्डा सा बन जाएगा और उसी को हम क्या कहते हैं? पिट. ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, पिट्स क्या हैं? बेसिकली दे आर अनथिकंड एरियाज इन सेकेंडरी वॉल. यूजुअली ये किस रूप में मौजूद होते हैं? यूजुअली दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स. सो यूजुअली दे अकर इन पेयर्स. पिट्स जो हैं बेसिकली दे आर ऑफ टू टाइप्स. एक होते हैं सिंपल पिट्स, दो तरीके के होते हैं. एक होंगे सिंपल पिट्स और दूसरे जो होंगे दे आर द बॉर्डर्ड पिट्स. जब हम बात करते हैं सिंपल पिट की, तो दिस इज द मिडल लैमेला. मिडल लैमेला के आजू बाजू क्या मिलती है? देयर इज प्रेजेंट द प्राइमरी वॉल, दिस इज द प्राइमरी वॉल. एंड इसके बाद जो डिपोजिशन मिलेगा दैट इज ऑफ द सेकेंडरी वॉल. सो दिस इज द सेकेंडरी वॉल. ओके, अब यहाँ पर जहाँ पर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है, ये एरिया ही क्या कहलाता है? पिट. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये क्या है? ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल पिट. पिट्स का जो फंक्शन होता है, बेसिकली दे हेल्प इन द डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द वॉल. ठीक है, तो हम कह सकते हैं नॉन लिविंग कनेक्शंस हैं. ठीक है, जबकि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? लिविंग साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं. तो ये क्या है? दे आर ऑफ द यूनिफॉर्म डायमीटर. सो दीज आर द सिंपल पिट्स. इसको मार्क कर लेते हैं. दिस इज द मिडल लैमेला, दिस इज द प्राइमरी वॉल एंड दिस इज द सेकेंडरी वॉल. अब पिट जो है इसके अंदर तीन चीजें देखने को मिलती हैं. अभी जैसा मैंने बताया, ये जो एरिया है खुला वाला, ये वाला क्या कहलाता है? दिस इज द पिट चैम्बर.
ये जो ओपनिंग है इसको हम कहते हैं पिट पोर, और ये जो अंदर की लाइनिंग है इसको हम क्या कहते हैं पिट मेम्ब्रेन। तो ये पिट मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई आप देख सकते हैं, मिडिल लैमेला और प्राइमरी वॉल की। तो इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स मिलेंगे, दैट इज द पिट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, दैट इज द पिट चैम्बर प्लस पिट पोर प्लस पिट मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर। अब हम सेकेंड बात करते हैं बॉर्डर्ड पिट्स की। बॉर्डर्ड पिट्स के अंदर क्या है, अगेन देयर इज प्रेजेंट द मिडिल लैमेला, आजू बाजू क्या मिलेगा, दैट इज अ प्राइमरी वॉल, सो दिस इज अ प्राइमरी वॉल एंड देयर इज प्रेजेंट द सेकेंडरी वॉल, सो दिस इज द सेकेंडरी वॉल। थ्रेड से जो ड्रॉ करा है दिस इज द सेकेंडरी वॉल। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं, इनको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर तो जो डायमीटर था वो यूनिफॉर्म था, यहाँ पर डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पर क्या है फ्लास्क शेप्ड है, और दोनों साइड से इसको ओवर आर्क क्या कर रहा है सेकेंडरी वॉल, पूरे दोनों तरफ से इसको ढके हुए रहता है, इसको हम क्या कहते हैं बॉर्डर्ड पिट। ओके, इस बॉर्डर्ड पिट के अंदर एक और खास चीज होती है, दैट इज द टोरस। लाइक दिस, ये जो टोरस है बेसिकली इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द सुबरिन। टोरस हम कहते हैं टेक्निकली अगर हम देखें तो, व्हाट इज टोरस, इट इज अ हेमिस्फेरिकल कुशन शेप्ड स्ट्रक्चर, हेमिस्फेरिकल होगा और कुशन शेप स्ट्रक्चर होगा, इसको हम क्या कहते हैं टोरस। सो दिस इज द टोरस विच इज फॉर्म्ड बाय द सुबरिन डिपोजिशन, सुबरिन डिपोजिशन। इट विल एक्ट एज अ वेल्व, किसकी तरह काम करता है ये, इट विल एक्ट एज वेल्व। ओके, कंट्रोल करेगा जो मूवमेंट है डिफ्यूजन है सब्सटेंसेस का अक्रॉस द वॉल। क्लियर, सो दैट वॉज ऑल अबाउट द बॉर्डर्ड पिट। इसका लेबलिंग देखें हालांकि सेम रहेगा, दिस इज द मिडिल लैमेला, दिस इज द प्राइमरी वॉल एंड दिस इज द सेकेंडरी वॉल। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है, पिट्स जो हैं जनरली ट्रैकेज और वेसल्स में ही मिलती हैं, ठीक है, लेकिन जो बॉर्डर्ड पिट्स हैं दे आर मैक्सिमम इन केस ऑफ बॉर्डर्ड पिट्स। Maximum in case of tracheids of gymnosperms, this you have to remember, this is an important point. Now let us see the functions of the cell wall. वैसे मैंने आपको सेल वॉल के फंक्शन साथ साथ बता दिए थे, लेकिन यहाँ पर एक बार दोबारा से इसको समराइज करके देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, सेल को रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करता है। सेकंड है प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाएगा। नेक्स्ट इज इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, जितने भी अनडिजायरेबल या अनवांटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके लिए एक बैरियर के रूप में ये काम करता है। एंड द लास्ट वन इज सेल टू सेल इंटरैक्शन, इसको समझने के लिए आपको ध्यान में रखना है प्लाज्मोडेस्माटा और सेल वॉल। जब हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की, ये क्या है, लिविंग साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं, ठीक है, और दूसरे क्या है नॉन लिविंग कनेक्शंस, जिसके अंदर क्या आ जाएगा सेल वॉल। अब जब प्लांट अब्सॉर्ब करता है वाटर को तो दो पाथवेज होते हैं वाटर को अब्सॉर्ब करने के, एक होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे और एक होता है एपोप्लास्टिक पाथवे।
सिम्प्लास्टिक पाथवे के अंदर कौन हेल्प करता है? लिविंग साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस या प्लाज्मोडेस्मेटा, और एपोप्लास्टिक पाथवे के अंदर कौन हेल्प करता है? दैट इज़ अ नॉन लिविंग कनेक्शन, दैट इज़ अ सेल वॉल। कभी कभी जो है मैंने आपको बताया कि पिट्स भी मिलते हैं सेल वॉल में, वो भी नॉन लिविंग हैं, और वो क्या करेंगे? वो डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करेंगे अक्रॉस द सेल वॉल। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द सेल वॉल।